पत्नी से यह चीज मिलती नहीं है तो हक से मांग लो। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। पत्नी से काफी सारी चीजें हमको लगती है कि हमने मांगना चाहिए मगर मांगते नहीं है। हमारी अपेक्षाएं रहती है और वो अपेक्षा अपेक्षा में फिर अपसेट्स होते रहते हैं। हमको लगता है कि नहीं, उसको समझना चाहिए ना। तो समझने के लिए उसके पास में कोई मशीन नहीं है कि वो अपने दिमाग के अंदर घुसेंगे और देखेंगे आपको चाहिए क्या। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जो आपको ह्यूमन बीइंग को भगवान ने दिया हुआ एक अस्त्र है बोलने का, तब तक सामने वाले को कुछ समझेगा नहीं। तो तीन चीजें हैं जो आपने पत्नी से मांग लेना चाहिए और आपका हक है, अधिकार है। नंबर एक, पत्नी का प्यार। पत्नी ने प्यार करना चाहिए और वो प्यार आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। पत्नी का प्यार आपका हक है वो, मगर देने के सिवाय लेना होता नहीं है, आपको मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा तो आपको मिलेगा। सो पहले प्यार देना चालू करो। सोने के समय दिन में 2 बार कम से कम, सुबह रात को आई लव यू बोलो। उसको क्या चाहिए, उसको जो चाहिए उसको मिल सकता है क्या, वो देखो। डेफिनेटली आपको वो प्यार देंगी। और आपको प्यार मिलता नहीं तो डेफिनेटली आप मांग सकते हैं कि मुझे प्यार दो, नंबर एक। और लेना है तो देना पड़ेगा। नंबर दो, रात का गर्म खाना। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब रात में लेट जाते हैं तो पत्नी सो जाती है और फिर एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि नहीं, उसने गर्म खाना खिलाना चाहिए, उसने पहले खाना खिलाना चाहिए, परोसना चाहिए, गर्म करके देना चाहिए। और वो समझो सो जाती है तो फिर दिमाग खराब, दिमाग आउट। तो ऐसा न होते हुए आपने बोलना चाहिए कि नहीं, मैं थोड़ा लाइफ में लेट आ जाऊंगा तो मुझे गर्म खाना लगेगा। या पति पत्नी साथ में खाना खाते तो फिर परोसने वाला तीसरा व्यक्ति है वो जरूरी है वहां होना चाहिए। क्योंकि आप जब खाना खाते हैं और आपको कुछ चीज लगी तो फिर उसको उठना पड़ेगा, वो परसती नहीं तो। समझे, आपको पानी चाहिए या आपको नमक चाहिए, आपको नींबू चाहिए, जो भी चाहिए वो जो लिया नहीं तो। तो फिर आपको ये भी बोलना चाहिए कि ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, आप खड़े रहो। या फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं तो फिर तीसरा व्यक्ति और कोई खड़ा रखो कि जो आपको जो लगेगा वो लाके देगा, ताकि अपसेट नहीं होगा। अदरवाइज वो भी अपसेट हो जाएंगे कि मुझे बीच बीच में उठा रहे, तो भी अपसेट टाल सकते हैं। नंबर तीन, पत्नी ने कुछ पैसे भी छुपाए हैं। और काफी महिलाएं ऐसे रहती है कि उनको जो पैसा मिलता है खर्च करने के लिए दिया जाता है तो वो छुपाते रहती है। अच्छी बात है, वो कोई गलत नहीं है, मगर यदि आपको यदि बहुत अड़चन हो गई तो आप हक से मांग सकते हैं कि नहीं, मुझे ये पैसे की जरूरत है। भी आपने कुछ रखे होंगे तो जरूर दे दो, तो ये आपका हक है उसने छुपाए हुए पैसे मांगने का। देखिए, जब 1,000 की और 500 की नोट जब बंद हो गई तो कितने सारे पैसे लेडीज के पास में मिले, बहुत सारे। और वो सब नोटा खराब इधर उधर दबा दबा के रखी हुई थी लेडीज लोगों ने, उन्होंने अपने इमरजेंसी के लिए रखी हुई थी। और सब नोटा बाहर आ गए, कितनी सारी लाखों करोड़ रुपए बाहर आ गए उस समय। क्योंकि महिलाओं को एक आदत रहती है कि वो पैसे छुपा के रखते कि नहीं, अपने को कोई भी कठिन समय में आ सकते हैं। तो सच्ची कठिन समय है तो आपका अधिकार है, आपने वो नोट पैसे पत्नी से मांग लेना चाहिए। तो ये तीन चीजें आप करते हैं तो ये आपका हक है, जरूर मांग लो। आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को ये वीडियो शेयर करो। हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में हम रिलेटिव के साथ में लोगों को भर्ती करते हैं, पेशेंट लोगों को, मनोरुग्ण को। दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण हो, शराबी है, व्यसनी लोग है, गांजा भांग एडिक्ट लोग है या मंदबुद्धि के हैं, वो लोगों को बिना रिश्तेदार हम भर्ती करते हैं, उनकी केयर लेते हैं और वो हॉस्पिटल में हम चलाते हैं। आप हमारे यहाँ ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें हमारे पार्टनर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।